पर दोस्तों तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो गाइस सर, आप सभी लोग ने देखा होगा कि बहुत सारे प्लेयर्स का ऐसा नाम होता है कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते भाई इतना नाम कैसे लिख सकते। जैसे कि मान लो कि ये बंदे ने इतना फैंसी नाम लिखा, ठीक है, एंड बहुत सारे बंदे आपको मिलेंगे जैसे कि इस बंदे ने अपने नाम के बीच में एक सिंबल लगा रखा है। तो कहीं ना कहीं आप भी चाहते हो कि भाई इस तरीके से नाम कैसे लिखें हम लोग भी। तो आइए आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कैसे आप लोग जब प्रो प्लेयर जैसा नाम लिख सकते हो, फैंसी नाम लिख सकते हो, एकदम यूनिक नाम लिख सकते हो, भाई कोई बंदा ऐसा लिखा ही नहीं होगा। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना एंड चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस सर देखो, फैंसी नाम लिखने के लिए देखो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आईडी कार्ड। ये आईडी कार्ड होता है, ये रीनेम कार्ड होता है, आईडी कार्ड नहीं होता है। अगर आप लोग को इसको लेना है तो आप लोग मेरी ये वीडियो देख लोगे, आप लोगों को पता लग जाएगा कि कैसे आप लोग को ये रीनेम कार्ड फ्री में मिलेगा। अब गाइस देखो बात आती है कि यहाँ पे जैसे रीनेम कार्ड पे हम लोग जाएंगे इसको यूज़ करने के लिए, तो यूज़ पे क्लिक करते ही अगर हम लोग चाहें जैसे कि मुझे कोई भी नाम लिखना है, जैसे मैंने 4-star gamer लिखा और मैंने बीच में यहाँ पे जैसे कि एक जो सिंबल हुआ ये ले सकता हूँ, ठीक है। आप लोग सोचो काफ़ी सही चीज़ है ये स्टार भी। तो अगर मैं इसके बाद यहाँ पे गेमर लिखूंगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि वो जो स्टार मैंने लगाया था, तो मैं कुछ भी लगाऊंगा। आप लोग को एक बार और दिखा दूं कि इसके बीच में यहाँ पे जितने भी आप लोग को टेक्स्ट में ऑप्शन मिलते हैं जैसे ये हुआ या कुछ भी मैं अगर लगाता हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि सब कुछ यहाँ पे गायब हो जाएगा। बल्कि ये जो बंदे हैं जैसे कि अभी मैंने दिखाया था आप लोग को, जैसे ये सब बंदे हैं इन्होंने अपने नाम के बीच में डॉट कैसे लगाया है, इस बंदे ने अपने नाम के बीच में एक्स कैसे लगाया है एंड इस बंदे ने अपने नाम के आगे एक सिंबल कैसे लगा लिया, तो ये कैसे करते हैं ये लोग। देखो गाइस सबसे सिंपल तरीका है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि मुझे आप लोग देख सकते हो इस बंदे के नाम के सामने एक डॉट है, तो मेरे को इस नाम के डॉट अच्छा लगा तो मैं क्या करता हूँ इस बंदे की प्रोफाइल पे जाऊँगा एंड इसकी प्रोफाइल पे यहाँ पर जो 3 line एंड डॉट इस पर क्लिक करके अब यहाँ पे मेरे मुझे इसका नाम पसंद आया तो मैं इसका नाम यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, जैसे कि आपके पास रीनेम कार्ड होगा तो उस पर आप लोग को जाना है, उस पर यूज़ पे कर देना। उसके बाद आप लोग को वही जो नाम आपने कॉपी करा था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना। अभी घबराओ मत, पेस्ट करने के बाद गाइस अब आप लोग को यहाँ पे जैसे कि NTF लिखा हुआ है इसको मैं हटा देता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अपना 4-star। जैसे मैंने गाइस यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। अरे ओके भाई क्या कहाँ चला गया, फिर से करता हूँ। मैं देख सकते हो कि मेरे नाम के सामने बीच में एक डॉट आ गया, 4-star.gamer। अब गाइस अभी इससे पहले नहीं आ रहा था लेकिन अभी आ चुका, तो सिर्फ यही नाम ने जैसा कि आपको जो और नाम पसंद हो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखोगे। अब आप कहोगे भाई मेरे फ्रेंड लिस्ट में नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे अगर नहीं भी कोई फ्रेंड लिस्ट में आपका फ्रेंड तो आप ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है इस एरो पे क्लिक कर देना, रैंक पे चले जाना। रैंक पे आने के बाद गाइस अब आप लोग को यहाँ पे एक से एक सिंबल आपको आईडी देखने को मिल जाएगी जो कि अपना अच्छा अच्छा नाम लिखे पड़े हैं, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो डेविल के सामने आप लोग देख सकते हो इस बंदे का नाम। तो आप ऐसे में क्या कर सकते हो कि इस बंदे पे क्लिक कर सकते हो, इसकी जो 3 line डॉट इस पे जा सकते हो एंड जो इसका नाम उसको कॉपी कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको सिंबल मिल जाएंगे। अभी देखो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे सिंबल्स ले सकते हो जो कि बहुत यूनिक बंदे लगाते हैं, लेकिन आप कहोगे भाई मुझे कुछ अलग ही यूनिक चाहिए, तो ऐसे में आप लोग को देखो एक काम करना है, से बाहर आ जाना है, गेम को आपको बैकग्राउंड में रखे रहना है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आपको दोबारा ओपन कर लेना। उसके बाद आप लोग को अपने गूगल या क्रोम पर आना है, यहाँ पे BGMI स्टाइलिश नेम लिख के सर्च कर देना और सर्च करने के बाद गाइस आपके सामने nickfinder.com की आपकी वेबसाइट आ जाएगी। और मैं आपको बता दूं ये मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ तो ऐसा मत समझना, लेकिन हाँ इस बंदे ने बहुत ज़्यादा यूनिक नाम आप लोग को दे रखे हैं, जैसे सोल मॉडल में जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो खुद ही, आपको आप लोग को यहाँ पे बहुत सारे नाम देखने को मिल सकते हैं जैसे कि रॉकर, VIP, रॉयल स्केलेटन, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्रेजी किंग, लॉर्ड एक्स हंटर, तो आप लोग को यहाँ पे एक से एक नाम देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप लोग जैसे आज़ाद आगे पीछे यहाँ पे गन बनी हुई है, तो आप लोग को यहाँ पे बहुत सारे स्टाइलिश नेम देखने को मिलते हैं। लेकिन गाइस एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत कर सकता है, जैसे कि आप चाहोगे जो स्टाइलिश नेम का रॉय है, अगर आप चाहोगे इसका नाम कॉपी करना तो आप लोग इसके नाम पे ऊपर क्लिक करके रखना, उसके बाद आपको कॉपी करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप सिंपली सा कॉपी कर लेना। उसके जो मैंने नाम कॉपी करा था उस साइट से, तो मैं क्या करता हूँ कि आप लोग उसी साइट का नाम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पेस्ट करने के बाद कुछ भी नहीं आ रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो कुछ टाइम पे आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि वो नाम यहाँ पे नहीं आएगा, ताकि बहुत सारे बंदे इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे भाई मेरा ये नाम तो कॉपी नहीं हो रहा है।
वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो BGMI हुआ उसका एल्गोरिदम ये नहीं काम करता है कि ऐसे नाम आप लोग लिख सको। बेसिकली ये जो नाम है ये फ्री फायर वाले नाम है, मतलब ये आप लोग फ्री फायर में कॉपी पेस्ट कर सकते हो, मतलब ये यहाँ से कोई मतलब आपको कॉपी करके। लेकिन आपको अगर BGMI में आपको नाम चाहिए, जैसे कि सारे सिम्बल्स हुए हैं तो बहुत सारे अच्छे हैं, पर गाइस ये जो सिंबल हैं ये आप लोगों के काम नहीं आएंगे BGMI के अंदर। BGMI के अंदर बस नॉर्मल ये सिंबल, जैसे यहाँ पे देखा गया जोन गॉड, ऐसे कोई होता नहीं है, जोन गॉड जोन सबकी लेता है। नाम कॉपी कर रहा था उसको यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा तो आप लोग देख सकते हो उसका नाम यहाँ पे सिंबल्स आ चुका। तो BGMI के अंदर बस कुछ ही सिंबल है जो यहाँ पे वर्क करेंगे, अदरवाइज बहुत सारे सिंबल्स ऐसे हैं जो वर्क नहीं करेंगे। तो आप लोग कुछ ऐसा सिंबल लेना जो वर्क करे उसको यहाँ पे लगा लेना, और आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। तो मैं क्या करता हूँ इसका नाम थोड़ा सा चेंज करके रिस्पेक्ट लिख देता हूँ, रिस्पेक्ट ओके, क्योंकि मेरे को ये नाम ज़्यादा अच्छा लगता है रिस ओके, यहाँ पे RESPECT ओके ओके, यहाँ पे कैपिटल में लिख गया रिस्पेक्ट मी। और मैं क्या करता हूँ ये जो नाम है थोड़ा सा ये सिंबल है इसको कॉपी करता हूँ अलग से, क्योंकि इसको लाऊंगा मैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ठीक रहेगा। और लिया, अब देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे, एक देख सकते हो कि रिस्पेक्ट मी लिख के आया। अब मैंने इसको नाम को यहाँ पे चेंज कर लिया फाइनली, तो नेम कैन नॉट एग्जिस्ट 14 नंबर ओके, यहाँ पर मैं चेंज इसको नहीं कर सकता। आई थिंक मुझे यहाँ पर थोड़ा जो सिंबल ये वाला है ये लास्ट शुरू वाला इसको हटाना पड़ेगा, तो मैंने इसको भी हटा दिया। अब देखते हैं यहाँ पर चेंज होता है, हाँ ओके मेरा नाम यहाँ पर चेंज हो चुका है, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो बिल्कुल इस तरीके से आप लोग भी अपना स्टाइलिश नेम लिख सकते हो। चलो गाइस।